अक्सर से खाने में और इंटरेस्ट के साथ नहीं चले गए टाइम के, बस उसके फायदे से होते हैं। और ये जो कुछ कर रहे हैं मेरा ख्याल है यही मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम जेलानी साहब हैं तो हमारा बड़ा सादा सा काम है, जितना सर तो भाई पढ़े लिखे और बड़े उनके पास चीजें हैं, हम घरों से कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको अलग अलग करते हैं। घरों से जो कचरा इकट्ठा होता है उसमें तीन तरह की चीजें होती हैं, एक ग्रीन या जिसको आप किचन वेस्ट कहते हैं, सावा कूड़ा जो कह रहे हैं, और एक जो है वो रिसाइकलेबल होता है, जिसमें लोहा तांबा पत्रा प्लास्टिक शीशा डेली जो आप लोग जो पैदा करते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान की एक्सरसाइज ये है कि यहाँ पे 400 ग्राम या 500 ग्राम डेली एक गंदा कचरा पैदा करता है, और जो घरों का साइज है वो कुछ कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8 है, लेकिन 7 अगर हम ले लें तो कुछ 3 किलो कचरा इधर उधर पैदा होता है। तो जो आप फल आज खाते हैं या सब्जियां जो आज खा रहे हैं, तो वो आप जो उसके छिलके आप बाहर फेंक देते हैं जो बाकी करते हैं, तो हमने फिर ये किया है कि उन कचरे को हम इकट्ठा करते हैं और उसको अलग अलग करते हैं। जो सबल कचरा है ग्रीन वेस्ट, उससे हम खाद बनाते हैं, और जो रिसाइकलेबल है उसको हम इंडस्ट्री में भेज देते हैं, और हमारे पास 15% ऐसा बचता है जिसमें पेपर है या सेंट्री पैड है या मिट्टी या पत्थर भी आ गया, तो वो डिस्पोजल पे जाता है। तो इस वक्त हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में हमारे 3 प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर, एक B70 के है, इस बिल्कुल पहाड़ी के साथ ही है, मल्टीप्रोफेशनल है, एक हमारा प्लांट जो है वो G15 में है, एक गुना गार्डन में है, एक मर्दान में है, एक अपने सिंध में लगाया है सकरण, 3 अभी इस महीने में और शुरू किए हैं, एक हरिपुर में शुरू किया है अफगान रेफ्यूजी कैंप के साथ, एक हजरों में शुरू किया है, और एक हमने शुरू किया है अभी अमजद साफिश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपूवर्थ फाउंडेशन है, उनकी यूनिवर्सिटी है, तो लिलियानी में मुस्तफा आबाद में हमने वो शुरू किया। तो हमारा प्लांट जो है बड़ा सिंपल सा काम करता है, 1.5 कनाल जगह में हमारा प्लांट होता है, और उसमें रोजाना 3,000 घरों का कूड़ा कचरा जो है वो संभाला जा सकता है। उसमें 12 बॉक्स होते हैं, पहला बॉक्स भरते हैं, जब आखिरी भरता है तो पहले की खाद तैयार हो जाती है, उसको हम मैच्योरिंग बॉक्स में ले जाते हैं, उसके बाद छानते हैं, पैक करते हैं। इस्लामाबाद की जितनी नर्सरियां हैं उसमें हमारी खाद आपको मिलेगी, ये हमारी खाद है हरियाली नामजाती माता के नाम से, इस्लामाबाद की सारी नर्सरियों में आपको ये अवेलेबल है। अभी सर ने हमारे साथ काम किया, सर मजीद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इसके हमने ग्रेनुलेटर बनाए हैं और कुछ वैल्यू एडिशन की है, तो ये जो है ना इसका लेवल जरा अच्छा हो गया। और फिर हमने उसमें एक तजर्बा और किया, वर्म्स, हमने अर्थ वर्म जो है जो गोबर है उसमें हमने जो सावन कीड़े आप कहते हैं, लेकिन ये लोकल वाले नहीं है, ये वो वेंगुलर है जो तो इसको हमने ये बनाया, ये जरा थोड़ा सा वो होता है, तो इस तरीके से फिर ये हम हर साल अपनी रिपोर्ट छापते हैं। तो पिछले साल हमने यहाँ पे एक जगह पे गन्ना लगाया तख्त भाई में मर्दान वाले, उससे तो 12 फुट लंबा गन्ना हमारा हुआ है, और ये फिर इधर मकई लगाई है, तो वो सारी तो मुख्तलिफ विजिटर हमारे प्लांट पे आते हैं, जैसे कमिश्नर साहब आए थे या मुख्तलिफ लोग आते हैं, तो एनुअली हमारे पास कई लोग, तो इसके अंदर सारी मौजूद है, ये सारी चीजें बाहर स्टॉल पे मौजूद है। हमने अभी आप लोगों के लिए सर की रिक्वेस्ट पे आपके लिए बाहर एक स्टॉल लगाया है, उसपे खाद भी मौजूद है, उस पर किताबें भी मौजूद है, मेरी अपनी 2 किताबें हैं, एक का नाम मासले कचरा है और एक का नाम कचरे में जन्म है। मैं काफी अरसे से ये काम कर रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट आप लोग बैठे हैं, जब आपकी उम्र में था तो मैंने अपने मोहल्ले की सफाई शुरू की, बल्कि वहां हमारा डम साइट था तो उसमें लोग कचरा फेंकते थे, बल्कि राजा बाजार ये पूरे शहर का पिंडी शहर का कचरा वहां आता था, तो हम वहीं पे रहते थे, तो उसमें कुछ बच्चे चीजें चुनते थे, तो मैं उन बच्चों को पढ़ाता,
तो उनसे मैंने फिर कचरे का काम सीखा। उनमें से वो नॉर्मली जैसे सर ने भी बात नाला लही की है, तो मैं नाला लही के किनारे ही पैदा हूँ, वहीं पे रहता हूँ। तो नाला लही में ये था कि जो अभी तो प्लास्टिक आना शुरू हो गया, पहले जमाने में कपड़े ज्यादा इस्तेमाल होते थे, ये जूते कपड़े इस तरह की चीज। तो वो जो बच्चे थे वो कपड़े निकालते थे उसमें से, वो नाला लही में धो के उसकी टाटियां बना के, तो हमारे पास आते थे, मजे वाला आता, तो कयूब का आता, ये सारे आते हैं जिसमें ट्रक ठीक होते हैं, तो उनके मिस्त्रियों के यहाँ बेचते थे। तो मैं उन बच्चों को पढ़ाता था, तो मैंने उन्हीं से काम सीखा। और मैंने अभी 2009 में अपना इदारा बनाया। वैसे हमारा ट्रस्ट जो है वो गुज़िश्ता 24 साल से काम कर रहा है। उससे पहले कम्युनिटी बेस हम लोग काम कर रहे थे, यानी 1990 से लेके 2000 तक। तो हम तकरीबन 85 से ऑनवर्ड इसी काम में मसरूफ है, कचरे में काम कर रहे हैं। ये मेरी किताब है, बाहर मौजूद है स्टॉल पे, आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। और ये सर के भी लेक्चर इसमें हैं और लेक्चर भी हैं इसमें, आप लोग पढ़ सकेंगे, सर भी अभी इस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से हम कचरे से अभी हम हर साल तो 60-70 मिलियन का बिजनेस करते हैं, और हम उसमें 5-6 मिलियन टैक्स भी भरते हैं हम, यानी इसमें से। हमने एक छोटी सी कंपनी बनाई है, सोल प्रोप्रेटरशिप है, इंडिविजुअली मैं उसको देख रहा हूँ, ट्रस्ट के अंडर है। तो हम उसमें अभी हमारे पास तो 200-300 लोग काम कर रहे हैं, हमारे 8 प्लांट पाकिस्तान में चल रहे हैं। खाद बनाते हैं और इसको, लेकिन पहले हम पाउडर फार्म में बनाते थे। अभी सर की टेक्निकल असिस्टेंट से क्योंकि साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने हमें गाइड किया कि आप लोगों ने इसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो हमने इसको इम्प्रूव किया। मैं चाहूंगा कि सर थोड़ी सी इस पे मजीद बात करें। अभी पहले जो सर ने प्रेजेंटेशन दी है काफ़ी तीन किस्म की थी, आई थिंक फैंटास्टिक। तो मैं लाइटली जो कि सिंपली आपको घराना गुजरे, आप उसमें ज़्यादा अपनी इंक्वायरीज करें ना, आई वुड रेस्पॉन्ड यू। सिंपल सर ने बता दिया हमीदुल्ला साहब ने कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो वो वेस्ट हैं उनको प्रोसेस करके बायो फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। आप में से आई होप मेजॉरिटी फार्मर से पता करते हैं ना, आप लोग जो बैठे हैं कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हमारा पर्पज़ भी यही आने का कि हम आपको मैं चूँकि एग्रीकल्चर से हूँ, एडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से, सॉयल साइंस मेरा फील्ड है, और ये बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ज़मीन की जरखेज़ी से मुतल्लिक हमारी सारी स्टडीज़ और रिसर्च होती है। तो हमीदुल्ला साहब से काफ़ी पुराना, जब से ये बना रहे हैं हमारा लिंकेज है। तो इन्होंने जब ये स्टार्ट किया तो अब आई एम रिटायर्ड ना, तो एक साथ तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आई एम फ्री, तो आपको इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के मुताबिक ज़िम्मेदार जानते हैं सारे कि नामियाती मादा ज़रूरी होता है, फर्टिलाइज़र। आजकल इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी इसलिए भी हो रही है कि ये जो हेल्थ इश्यूज आए हैं इसकी वजह से भी, कि ऑर्गेनिक होना चाहिए ना हर, अब बच्चे को पता कि ऑर्गेनिक फूड क्या है, तो उसकी अहमियत क्या है। तो इसको अब प्रमोट तो कर रहे हैं ज़बानी, सर ने जैसे एलजी का बताया अवेयरनेस दी है ना, अवेयरनेस ऑलरेडी ऑर्गेनिक की है, ये तो एक नई टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस बार बार देनी पड़ेगी जगह जगह तमाम लोगों को, तब जाके लोगों को टेक्नोलॉजी समझ। ये जो ऑर्गेनिक है इसका कोई इतना कोई कम्प्लेक्स वो नहीं है इशू। अब साइंटिफिकली जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, हम ये समझते हैं और ये वेल नोन है कि ऑर्गेनिक फिर कर क्यों नहीं रहे लोग, हर बंदा समझ रहा है इजी टू डू है, लेकिन नोबडी इज ट्राई टू डू इट, इसको अडॉप्ट क्यों कर रहे। उसकी मेजर रीज़न ये है कि इसके मुकाबले में केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, नंबर वन कि वो स्मॉल साइज में है, एक बोरी एक एकड़ में डाले तो फार्मर विद इन फ्यू मिनट्स वो ऑपरेशन कर लेता है ना। दूसरा ये है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट की मकदार है वो कंसंट्रेटेड है, एक गोली की तरह है वो,
थोड़ा उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट भी थोड़ी है, हर्डल भी कम है, फिर ज़्यादा मकदार में आप खेतों में डाल सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक है वो के आपके एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, आपके जो जायशुदा पौधे के पकाया जात होते हैं, घास होती है या घर का किचन का वेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो ये शहर वाला कचरा इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर बना रहे हैं, तो गांव में तो बहुत फर्क पैदा होता है। तो आपके अपने फार्म में जिसका जिम्मेदारा है उसकी दे कुड बी सेल्फ सफिशेंट, फर्टिलाइजर की उनको ज़रूरत नहीं पड़े अगर वो खुद से अच्छा मैनेज कर लें। लेकिन एक रहा है कि हमारे जो कि टेम्परेचर बड़ा सूटेबल है इसकी डिकम्पोजिशन के लिए, वार्म क्लाइमेट है तो डिकम्पोजिशन बड़ी जल्दी होती, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, अमोनिया की शक्ल में नाइट्रोजन जो है ज़ाया हो जाती जो मेजर कंपोनेंट है, और ऑर्गेनिक जो कार्बन जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिखा रहे थे उसमें भी ये एनवायरनमेंट का क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो कार्बन की वजह से ना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है या अमोनिया में चेंज होकर तो वो ऑर्गेनिक मैटर ज़ाया हो जाता है, ज़मीन में स्टेबल नहीं रहता। हमारी ज़मीनों में अरसे तक आप डालते जाएँ तो ऑर्गेनिक मैटर की लेवल अप नहीं होता, वो अल्टीमेटली ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता है ऐसे, उसकी वजह से डिकम्पोजिशन होती है क्विकली, तो उसको स्टेबल करने का कोई तरीका नहीं है हमारे फार्मर्स के पास या हमने बताया नहीं उनको। बनाने का मकसद, इसको मॉडिफाई करने का मकसद हमारा ये था कि एक तो इसको स्टेबल फार्म में चेंज किया जाए ताकि इट शुड बी लाइक केमिकल फर्टिलाइजर जैसे DAP है, उस तरह से इसकी एक इसको अप्लाई करना ईजी हो जाएगा। फार्मर तो इसकी कंपोस्ट ही बनाता ना, ना बना सकता है, तो इसके ये दानेदार शक्ल में आप देखेंगे ये जस्ट लाइक है DAP, बिल्कुल ठीक है। इसको आप बोली में यू कैन इजी टू अप्लाई इन द फील्ड, तो एक ये है उसमें भी डालते हैं। हाँ, तो दूसरा ये कि इसमें जो दाना है ना, ये दाने की खूबी ये है कि ये स्टेबल फॉर्म है, इट कैन रिमेन इन द सॉयल फॉर लॉन्गर टाइम। जो आप ये इस तरह की खाद पाउडर वाली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इसमें से जो मैंने कहा ज़ाया हो जाती बड़ी जल्दी ना, न्यू पौधे को कम मिलेगी ज़ाया हो जाएगी, ज़मीन में इसका स्प्रे नहीं होगा, कार्बन वही जो है वो उसकी सिक्रेशन नहीं होगी। तो ये इसकी स्टेबल फार्म में करने के लिए नंबर वन तो ये हमारी एक रीज़न थी, दूसरा इसको अप्लाई करना, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन, चौथा इसमें न्यूट्रिएंट्स। जो हम इसमें केमिकल न्यूट्रिएंट्स तो ऐड नहीं करते ना कर सकते क्योंकि हमने ऑर्गेनिक रखना है, तो इसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हमने इसकी वैल्यू एडिशन जो की है वो जो बेनिफिशियल जो फ़ायदेमंद जरासीम है वो इसमें ऐड किए, और उसका सोर्स हमारे पास जो है वो है निवजी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग नियाब के साथ है, तो वेरी ऑथेंटिकेटेड, द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड है। तो वो फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र के माइक्रोब्स डेवलप करते हैं, आगे उनका भी पहले प्रोडक्ट था अब भी है, लेकिन हमने उससे वो माइक्रोब्स लेके तो इसमें एडअप किए ताकि ये ज़मीन में जब ये इसके ये कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होता उन माइक्रोब का है इसमें ऐड होते हैं, तो वेन दे गो इन टू द फील्ड तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो गैस वाली नाइट्रोजन 78% है उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे अमोनियम और नाइट्रेट में ना, तो और दूसरे फास्फेट फिल्टर सॉल्युबलाइजर्स हैं जो अभी फास्फोरस ओरिजिनली मौजूद है ना, और प्लस हमने केमिकल DAP और शिंगल सुपर फास्फेट डाल के उसका स्टेटस अब इतना बुलंद है, वो चूंकि 10% मिलती है पौधे को, बाकी 80-90% जो है ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, उसको अगर हम वो अवेलेबल करने का तरीका इस्तेमाल कर लें तो इस वक्त जो स्टेटस है तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक एवरेज 50 ईयर्स नेक्स्ट जो है फ्यूचर में हमें ज़रूरत नहीं है डाल रही DAP डाल रही थी ना, इसे ऑलरेडी मौजूद है, उसको सिर्फ हमने अवेलेबल करना है। तो अवेलेबल करने का जो तरीकाकार है वो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया इसमें डाल सकते हैं कि व्हेन दे विल गो इनटू द फील्ड
दे विल मेक इट अवेलेबल, यू डोंट नीड टू ऐड एनी फॉस्फेट उसको डलाकर, ऑलरेडी उसको सॉल्युबलाइज करेंगे। 10 किलो टोटल चाहिए होती है, आप उसमें डालते हैं 50 किलो या 100 किलो तक भी डालते हैं दो बोरिया, तो 10 किलो बड़ी आसानी से ये जो इसकी अगर जितनी डोज अगर मुख्तलिफ फसलों में मुख्तलिफ है, मिनिमम इसकी डोज जो है वो 4 बैग फी एकड़ आधा आधा बैग फी फिलहाल, या हम मैं वैसे कहता हूँ कि आप एक पूरा बैग डालें फी फिलहाल, तो उससे ये है कि ये थारोली अपना फंक्शन जो है ना कर सकेंगे। ये इसकी मेजर खुशियात है। अभी आप कोई चीज इसकी ये वैसे जो हम बल्क में सेल कर रहे हैं इसको, यानी हम तो चूंकि मार्केट में ये डायरेक्ट फार्मर को दें तो ये तकरीबन हम 25 किलो वाला इसका बैग है वो तकरीबन 750 रुपये तक हम, इसका अभी हमने अभी एस्टिमेशन नहीं की है, लेकिन इसका 50 किलो का बैग हमारा ख्याल है क्योंकि हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये फिर 4 से 5 हज़ार रुपये 50 किलो वाले, उससे कम भी अगर हो सका तो हम करेंगे इसको, कि उससे कम भी हो सका तो करेंगे, लेकिन ये है कि ये एक एकड़ के लिए 5 बैग 4 बैग काफी है, यानी 20 हज़ार रुपये जो मेरा ख्याल है, लेकिन अभी हमने चूंकि इसको काम नहीं किया, बजटिंग अभी नहीं की, अभी ये भी जाएगा इसके बाद लैब में और उसके बाद फिर इसकी प्रेजेंटेशन होगी और इसकी बाकी चीजें वो मराइल अभी इसको जो ना कंपेयर करना केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर इसको जो एकड़ का खर्चा आ रहा है वो 20 हज़ार तो हमारी कोशिश है कि ये इसकी टोटल डोज जो है ना वो 10 हज़ार में हो जाए ना तैयार, ताकि जिम्मेदार को भी बेनिफिट हो इसको इस्तेमाल करने में, जमीन को तो आना है, लेकिन जो फार्मर है उसको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो अफोर्डेबल है। एक चीज आप बताएंगे,